यातायात विभाग द्वारा सोमवार को कार्मल इंटर कॉलेज के सभागार में पुलिस की पाठशाला लगाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बच्चों को यातायात से जुड़ी समस्या के समाधान के साथ प्रदेश में हो रहे अपराध पर लगाम कसने, स्वयं की सुरक्षा कैसे करें, कानून का सम्मान कैसे करें और शिक्षा के प्रति जागरूकता संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बच्चों को जागरूक किया। इस मौके पर कार्मल स्कूल के बच्चों ने भी एसएसपी से विविध प्रश्न पूछे, जिसका एसएसपी ने बड़े ही सरलता पूर्वक जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस अवसर पर कार्मल स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर सलीटा, सीओ ट्रैफिक बीएन गुप्ता, गोरखनाथ शिव प्रवीण कुमार सिंह सहित कॉलेज के कई शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहे। सबसे ठीक बात की मैं यहाँ पर आ रहा था, मुझे लगा क्योंकि बेसिकली रमजान एक प्रोग्राम रखा था पाठशाला वाला, बिकॉज आई अटेंडेड प्रोग्राम से कानपुर एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो, सो मेरे को लगा ट्रैफिक वाला आता हूँ तो अवेयरनेस के लिए ऐड कराते। बेसिकली मैंने जब भी ये प्रोग्राम्स इस तरीके के किए हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, आई वांट कि आप लोग अपनी क्वेरीज, आप लोग अपने क्वेश्चंस, आप लोग को जो भी जिज्ञासाएं हैं, यू जस्ट बी ओपन टू आस्क, जो भी आपको पुलिस को लेके परसेप्शंस हैं, पुलिस को लेके आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, अच्छी बुरी जो भी चीज है, द फोरम इज ओपन, आई एम हियर एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एड्रेस योर क्वेरीज। मे बी आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं, उससे मुझे कुछ नई चीज़ कुछ सीखने को मिले। और ये जो एज होती है, इस टाइम पे हम लोगों के दिमाग में मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, मैक्सिमम क्रिएटिविटी होती है। ये जो हमारा एज प्रोफाइल होता है, इस एज प्रोफाइल में आगे हम लोग तय करते हैं कि अब हम किस स्ट्रीम में आगे जाने वाले हैं, हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री में, डिज़ाइनिंग में, कॉमर्स में, एमबीए में, साइंस में, लिटरेचर में, ह्यूमैनिटीज़ में, जहाँ भी हम लोग जाना चाहते हैं, यही हमारा एज प्रोफाइल होता है, 8, 9, 10 एंड देन यू चूज योर सब्जेक्ट्स, 11, 12 एंड देन यू गो टू दी कॉलेज। तो इस टाइम पे आई अज्यूम देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ क्वेरीज, एंड प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिएगा, कई बार हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी ये सोचते थे कि यार मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो बड़ा वाला पूछेगा, इसको उनको इतना भी नहीं पता। व्हाई पुलिस इज ओनली टोबैको एंड डूइंग स्मोकिंग, स्मोक और आई डोंट ईट टोबैको, वी आर ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। 1857 का रिवॉर्ड किसी ने पढ़ा है हिस्ट्री में? उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, सिपाही वॉज कॉमन मैन विदाउट यूनिफॉर्म एंड एवरी कॉमन मैन वॉज अ सिपाही विदाउट यूनिफॉर्म, उसका एनालिसिस पढ़ा तुमने? इस तरह की लाइन लिखी, एक आम आदमी जो था बिना वर्दी का सिपाही था और एक सिपाही बिना वर्दी का कॉमन आदमी था, उसको इस कंटेक्स्ट में जोड़ा गया था कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उसके प्रति हमारा रिसेंटमेंट इस लेवल पर बढ़ गया था कि वो ऑल परमिसिव था, इट वॉज अमाउंट दी कॉमन मैन, इट वॉज इन दी सोसाइटी, इट वॉज अमाउंट दी आर्मी, इट वॉज अमाउंट, क्योंकि तब तक पुलिस एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, आर्मी एग्जिस्ट करती थी। आपको ध्यान होगा 1857 के रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी मेरठ से, हुई थी जब उन्होंने पार्टी से स्कूल से निकालने से मना कर दिया था मंगल पांडे ने। उस चीज को मैं सिर्फ इसलिए बोल कर रहा हूँ कि आपने जैसे बोला टोबैको वाले जो पुलिस के लोग हैं या तो किसी भी सिस्टम के लोग, वो सोसाइटी से ही आ रहे हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हम इसी अपरिंग से बड़े होते हैं। जैसा मैंने बताया
कुछ लोग कुछ एज के बाद डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कोई इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई साइंस की फील्ड में जाते हैं, कोई अपना खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं, कुछ पुलिस में आते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी की वो धीरे धीरे हर सिस्टम में दिखती है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो ये कुछ जो एग्रेशंस हैं, कुछ कमी है, यस द ओनली इशू इज दैट एज अ पुलिसमैन ऑन ड्यूटी इन यूनिफॉर्म वी आर बाउंड बाय सर्टेन कंडक्ट रूल्स एंड इफ वी आर बाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग दोस कंडक्ट रूल्स वी आर लायबल टू बी पनिश्ड। और आप देखते होंगे बाद में पढ़ते होंगे कि इस तरह का कंडक्ट करने वाले जो पुलिस पर्सनल हैं ऑन ड्यूटी इन पब्लिक प्लेस बिकॉज वी आर वेयरिंग यूनिफॉर्म वी हैव द मैक्सिमम विजिबिलिटी वी हैव दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग इमीडिएट Okay.